मैम उनके लिए जेल में डाल दिया जाएगा। कोई तो गाली गलौज गलत है कि पक्षधर नहीं हूँ मैं, पर एक बात तो कहना है कि आप यूनिफॉर्म में थी, आपको हाथ उठाने का अधिकार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? कौन से आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में आपको अधिकार मिला कि आप यूनिफॉर्म में हाथ उठा दीजिए? अगर आप हाथ उठा दीजिए, दीदी क्या होता है कि देश में आतंकवादियों के लिए 12 बजे रात को कोर्ट खुल जाता है, लेकिन एक देश के सैनिक के लिए आगे कोर्ट क्यों नहीं खुला? माननी चाहिए तमाम हमारे देश के जो प्रशासनिक लोग हैं उनको, कितने दिन लगातार बैठा हुआ है, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन का आक्रोश नहीं है जो इतने लोग लगातार खड़े हैं, आप समझिए 4-5 दिन होने जा रहा है, ये मजाक नहीं। तो और क्या है कि एक बार आप थप्पड़ खुद ही मारते हैं, FIR भी दर्ज नहीं हो रहा उस परिवार का, थप्पड़ खुद ही मारते हैं। सच्चाई दिखाएंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में बोलने का अधिकार सभी के पास है, एक आम इंसान के पास है, उनके पास माइक, जो लोग पत्रकार है उनके पास भी है, तो पत्रकारों की आवाज दबा लेंगे तो कितने लोगों की आवाज दबा पाएंगे? बिहार के लोग आर्मी नहीं करते, पूरे भारत के लोग करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है जो तरीके से थप्पड़ मार के गाली दिया जा रहा है, ये वीडियो में साफ दिख रहा है। और सबकी बात ये थी कि वो लोग यूनिफॉर्म में थे, यूनिफॉर्म में होने के बावजूद, खादी कपड़ा पहनने के बावजूद, जो ये कहते हैं कि संविधान की रक्षा करने का काम हमारा है, जो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बचाने का काम मेरा है, वो लोग खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को मतलब इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, धजिया उड़ा रहे हैं। तो ये सब, ये ऐसा नहीं है कि तब तक ये बात पहुंची नहीं है, जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंची उनको साफ समझ में आ रहा है कि गलती किसकी और किसकी नहीं। मैम यूपी से आ जाते हैं आर्मी के जवान को इंसाफ दिला रहे, लेकिन यहाँ पे बैठे सत्ताधारी एक फुट तक नहीं डालते आर्मी के जवान नहीं है, दिखाया जा रहा आर्मी वालों के साथ का पूरा शाम को चल रहा है। मनुष्य कब आए बताइए ना, मनुष्य कब आए? अगर फोन का नहीं करता है तो काम क्या?